ये है फ्रैंकलिन आया खेले, खेलेगा ये हर दिन, आया है दोस्तों के साथ, सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात। ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर, ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर, हे ये है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एंड द कॉपीकैट। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। वो कहानियाँ पढ़ लेता था और क्लास में सबसे रंगीन बादल बना लेता था। लेकिन एक दिन किसी ने ऐसे रंगीन बादल बनाए जो बिल्कुल फ्रैंकलिन वाले बादल जैसे थे। वाओ, बढ़िया बादल है फ्रैंकलिन। थैंक्स, ये मेरे शाम वाले बादल है। हम भी जरा देखें कौन से बादल है। ओह, ये तो सुंदर है। कौन सी चीज? जबरदस्त बादल फ्रैंकलिन, मैं तो बस बड़े मोटे सफेद बादल बनाता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बादल बना पाता। देखो, ये मालूम होना चाहिए कि कब ऑरेंज क्रेयन को बदल कर पर्पल इस्तेमाल करना है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। हे सुनो, मुझे और क्या बनाना चाहिए इसमें? देखो, अगर तुम इसे लॉलीपॉप जैसा बनाना चाहते हो तो इसके बीच में ऐसा घुमाओ बनाओ। ये तो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ फ्रैंकलिन, क्या ये बलून जैसा नहीं दिखता है? ये बलून जैसा भी नहीं है। बेर, तुम जानते हो ये किसके जैसा दिखता है? मैग्नीफाइंग ग्लास है। हाँ, ये एक फूल है। अब समझा। तुम्हें अब समझ में आया? मैं तो एक फूल भी नहीं बना सकता। जरूर बना सकते हो, तुम्हें थोड़ी और ड्राइंग करनी चाहिए। कैसी ड्राइंग फ्रैंकलिन? मेरा मतलब फूल के हिस्से, मैं दिखाता हूँ। ये देखो। ये तो सुंदर है फ्रैंकलिन। क्या तुम अपनी पिक्चर में शाम के बादल दिखाना चाहती हो? ठीक है, मैं अपने शाम के बादल पहले ऑरेंज क्रेयॉन से बनाता हूँ। थैंक्स फ्रैंकलिन, तुम्हारा जवाब नहीं। ये तो बहुत रंगीन पिक्चर है रैबिट। हाँ, है ना रंगीन? इसे कहते हैं मेरा स्कूटर। बहुत सही नाम रखा है। क्या तुम इसे ऊपर उठाकर पूरी क्लास को दिखाओगे? जरूर। क्या बात है, बहुत अच्छा है। उन बादलों का जवाब नहीं। थैंक्स बेयर। नहीं, तुम्हारे बादल नहीं फ्रैंकलिन, रैबिट के बादल। ये डूबते सूरज का सुनहरा रंग बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरे बनाए बादल हैं। और फिर मिस्टर राउल ने रैबिट के बादल की तारीफ की और अब सब सोचेंगे कि रैबिट सबसे अच्छे बादल बनाता है। शाम के बादल के अलावा क्या कुछ और भी था पिक्चर में? नहीं, बस रैबिट का स्कूटर और एक पेड़। तो वो पूरी तरह तुम्हारी ड्राइंग के जैसा नहीं था? नहीं, लेकिन उसमें बादल बिल्कुल मेरे बादलों की तरह थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, रैबिट को तुम्हारे क्लाउड इतने पसंद आए कि अपनी पिक्चर में भी उसने वैसे ही बादल बनाए। उसे अलग तरह के बादल बनाने चाहिए थे बजाय मेरी नकल करने के। किसी की भी ड्राइंग मेरे फ्रैंकलिन जैसी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, जरा देखो तो इन्हें। तुम हमेशा हमारे मन पसंद आर्टिस्ट रहोगे। जानता हूँ। सुनो सब लोग, एक बुरी खबर है कि हम बारिश के कारण बाहर नहीं खेल सकते। और खुशखबरी ये है कि सबके लिए हैं नए क्रेयॉन। ये!
पिक्चर बनाने वाले हो फ्रैंकलिन? अब तक कुछ सोचा नहीं है। मैंने भी नहीं। अब मुझे ये कलर्स नहीं चाहिए। और ये रंग है फ्रॉग की नाक जैसा हरा, और ये है रुडोल्फ की नाक जैसा लाल, और ये है पिक के नाक जैसा पिंक। हे फ्रैंकलिन, क्रेयॉन्स को बीच में रखो, हम कलर शेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। आहा, चमकते सुनहरे दिन की एक और पिक्चर। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि इसमें और क्या बनाऊं। खैर, तुम्हारी शुरुआत तो अच्छी है। तुम क्या बना रहे हो फ्रैंकलिन? कुछ नहीं। कुछ बहुत ही लाजवाब है ना? ये सीक्रेट है। ठीक है, मैं बाद में देखूंगा। मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है। ये बादल सिर्फ मेरे बादल है। वाह, ये तो बिल्कुल असली बादल लगते हैं फ्रैंकलिन। ओह, तो ये है मेरे तूफानी बादल। सही नाम है। तुम्हारी पिक्चर बिल्कुल आज के मौसम की तरह लग रही है। देखो फ्रैंकलिन ने कैसे ब्लैक और पर्पल को मिलाकर असली जैसे तूफानी बादल बनाए हैं। वाओ, बिल्कुल तो कमाल है फ्रैंकलिन। क्या मछली है, सच का तूफान। पिक्चर पूरी हो जाए तब हम सब फिर देखेंगे। फ्रैंकलिन, क्या तुम मेरी पिक्चर में कुछ तूफानी बादल बना दोगे? हाँ, और कुछ मेरे भी हैं फ्रैंकलिन। वो मैं कह नहीं सकता, तुम लोग क्यों नहीं अपने बादल बनाते अलग अलग? हे, मैं मदद करूंगा दोस्तों। देखो, मैं भी तूफानी बादल बना सकता हूँ। रैबिट, तुम कॉपी कैट हो। वो सचमुच है। रैबिट नहीं जानता था कि तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है। जानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं नहीं जानता था इसमें इतनी परेशानी की कौन सी बात है, बादल ही तो हैं। लेकिन वो मेरे बादल हैं बेर। बादल तो सबके होते हैं फ्रैंकलिन। वो तुम्हारे तभी होंगे जब तुम सब लंबी बड़ी सीढ़ी लाओगे और चढ़कर उन पर अपना नाम लिखोगे। बेर। मैंने बना लिया तूफानी बादल। तूफानी बादल, तूफानी बादल, तूफानी बादल। रैबिट, तुम कॉपी कैट हो। कॉपी कैट हो, कॉपी कैट हो, कॉपी कैट हो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे नहीं, मैं भी तो एक कॉपी कैट हूँ। मैंने उन्हें अपने बादल कहा, लेकिन वो मेरे बादल हैं ही नहीं। मैंने उनकी एक पोस्टर से नकल की थी। इसमें कोई खराबी नहीं है फ्रैंकलिन। हाँ, खराबी है मॉम, मैं कॉपी कैट हूँ। कुछ नया सीखने के लिए नकल करना एक अच्छा तरीका है। आज मैं और तुम्हारे पापा कॉपी कर रहे हैं। आप भी? हाँ, मिस्टर मोल हमें गोल्फ खेलना सिखा रहे हैं। बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। पैर दूर रखो, कंधे सीधे, सिर नीचे, ठीक इस तरह से। ये तो आसान लगता है। पैर दूर, कंधे सीधे, सिर नीचे। मिस्टर मोल, क्या आप मुझे एक बार और दिखा सकते हैं? इस तरह से डियर। वाह मॉम, आप तो डैड से भी ज्यादा अच्छा कॉपी करती हैं।
हे रैबिट। हाँ फ्रैंकलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अपने उन बादलों के बारे में है ना? हाँ, मुझे तुमसे उस तरह नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो रैबिट। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, मुझे नकल नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, वो सब ठीक है, मैं भी तो नकल करता हूँ। ये क्या कह रहे हो? मैंने शाम के बादल बनाना अपने मनपसंद पोस्टर की नकल करके सीखा है। तुमने नकल की? हाँ, मैं भी कॉपी कैट हूँ। और मैंने शाम के बादल बनाना सीखा अपने मनपसंद आर्टिस्ट से, यानी तुम फ्रैंकलिन। ओह थैंक्स रैबिट। लो आ गई बस कॉपी कैट। बिग ब्रदर फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसे पैनकेक सॉस के साथ पसंद थे और दोस्तों के साथ खेलना भी। उसे एक दिन ऐसा लगा कि वो सब पर अपना रूप जमा सकता था। 3, 2, 1 छोड़ दो। फिर से करने को तैयार। ध्यान से रखो। तभी खड़े होना जब मैदान घूमना बंद हो जाए। बादल भी घूम रहे हैं। तुम मजेदार हो। हाय, मैं हूँ स्क्विरल। मैं अपनी दादी के पास आया हूँ। मैं फ्रैंकलिन हूँ और ये है फॉक्स और रकून। हाय, मैं भी खेल सकता हूँ? नहीं, हम बड़े बच्चों का खेल खेल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई चोट लग जाए। लेकिन वो मजेदार लग रहा था। हाँ, क्यों ना हम उसे अपने साथ खेलने दें। वो नया है और यहाँ किसी और को जानता भी नहीं। लेकिन वो छोटा सा बच्चा है, अगर नहीं कर पाया तो? फिर वो मेरे छोटे भाई की तरह चिपक जाएगा। मुझे उसकी हर काम में मदद करनी पड़ती है। तो ठीक है, कैसा रहे अगर मैं ही देखभाल करूँ? तुमने ठीक से सोच लिया है। हाँ, मुझे ये बड़े भाई वाला आइडिया बहुत पसंद आया। ठीक है, पर अब तुम्हें ध्यान रखना है कि वो सब कुछ कर सके। अगर वो कहता है कि हमारे खेल मुश्किल हैं, तो तुम्हें आसान खेल खेलने होंगे। सुनो स्क्विरल, तुम हमारे साथ खेल सकते हो, पर जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। ठीक है, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा रहूँगा। सच्ची? ये तो बढ़िया है। ध्यान रहे कस कर पकड़ना, क्योंकि तुम बहुत तेज घूमने वाले हो। समझ गया। 3, 2, 1 घूम जाओ। वाह, सब कुछ घूम रहा है। अभी मत छोड़ना। याद रहे फ्रैंकलिन, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हें इसके पास रहना और अगर वो रोते हुए घर गया तो तुम ही मुसीबत में पड़ोगे। तुम ठीक तो हो स्क्विरल? बिल्कुल फ्रैंकलिन, बड़ा मजा आया। हे, अगर चाहो तो तुम मुझे बड़े भाई कह सकते हो। ठीक है, थैंक्स बड़े भाई। जल्दी करो फ्रैंकलिन, चलो जोर से घूमते हैं। ओ वाह, मुझे भी बैठना है। मुझे भी। रुको, चलते हुए मैं बैठना थोड़ा मुश्किल है। थैंक्स बड़े भाई। ओहो बड़े भाई, अरे वाह भाई। हे, मैं तो बस इस छुटकू का ध्यान रख रहा हूँ। अगर तुम बीच में बैठोगे तो संभलना आसान होगा। अब ये लो। बहुत तेज नहीं दोस्तों। और तेज। ठीक है। पकड़े रहना स्क्विरल। और तेज। वो क्या तेजी से घूमे। हाँ, मैं तो पकड़ ही नहीं पाया। तुम ठीक तो हो स्क्विरल? चलो फिर से करते हैं।
कौन कौन मंकी बार्स पर चढ़ना चाहता है? मैं भी। क्या मैं तुम्हें चढ़कर दिखाऊं स्क्विरल? हे फ्रैंकलिन, तुम जल्दी करो, तुम्हें अपने छुटकू भाई की बराबरी नहीं करनी है क्या? ये तो बहुत तेज है, बस मुझे देखते रहना, मैं दिखाता हूँ क्या करना है। ठीक है, इस बार को यू पकड़ो और फिर खींचो। तुम देख रहे हो ना स्क्विरल? हाँ देख रहा हूँ, तुम अच्छा चढ़ लेते हो। लेकिन स्क्विरल जैसा अच्छा नहीं, तुमने सही कहा। सो तो है, लगता है तुम्हें चढ़ना सिखाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े भाई तो इसीलिए होते हैं। होते तो है, लेकिन तुम पहले से ही चढ़ने में माहिर हो। हे, क्या तुमने कभी मार्बल खेले हैं? नहीं। वाह, तब तो मैं तुम्हें खेलना सिखा सकता हूँ। खूब मारा फ्रैंकलिन। थैंक्स, तुम्हारी बारी स्क्विरल, तुम्हें लगता है तुम मेरे जैसा कर सकते हो? कोशिश करूंगा फ्रैंकलिन। चूंकि तुमने ये पहले नहीं खेला है, इसलिए तुम एक और बारी ले सकते हो। वाह, तीनों की छुट्टी, खूब तरक्की करोगे। हाँ, काफी बढ़िया शॉट था। हे स्क्विरल, क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि तुमने ऐसा कैसे किया? क्यों नहीं, जी बाहर निकालने से मदद मिलती है। हे, इसने सही कहा। हाँ जी, ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि सीखने में भी तेज है। उधर चलो फ्रैंकलिन, हम लोग लुका छुपी खेलते हैं। मेरे लिए रुको जरा। जूलिया, मैं तुम लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए 10 तक गिनना पड़ेगा। कोशिश करूँगा। रुको, ये ठीक नहीं है दोस्तों। स्क्विरल इस जंगल में पहले नहीं खेला है, उसे छुपने की अच्छी जगहें नहीं मालूम होगी। तो तुम उसकी मदद कर देना। बड़े भाई इसी के लिए तो होते हैं। बिल्कुल। 6, 7, 8, 9, 10। ओ हाँ, 8, 9, 10। छुपे की नहीं, हमारे हैं। हम उन्हें चुटकी बजाते खोज लेंगे। मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। रकून तो सबसे पहले यही छिपती है, और ये है फॉक्स की मनपसंद जगह। अफो, लगता है जैसे मैंने सोचा उससे ज्यादा वक्त लग जाएगा। रकून तुम पकड़े गए। और ढूंढ लिया। और फॉक्स तुम भी दिख गए। इससे तो मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ तो होगा जिसमें मैं स्क्विरल की मदद कर सकता हूँ। मिल गया। सीधा फेंकना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए शुरू में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उदास मत होना। ठीक है, समझ गया। बढ़िया टॉस। हाँ, कैच फ्रैंकलिन। कोशिश अच्छी की फ्रैंकलिन। अब ये लो। थैंक्स। सॉरी, फिसल गई। कोई बात नहीं, सीधा फेंकना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है अब फ्रैंकलिन का बड़ा भाई आ गया है। मेरी तरफ फेंको, मेरी तरफ। इधर, मेरी तरफ। बड़ा भाई अब छोटा भाई बन गया है। बढ़िया टॉस। मेरी तरफ फेंको, इस तरफ, मेरी ओर। ये पकड़ो स्क्विरल। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। फ्लाइंग स्क्विरल। फ्रैंकलिन! बचाओ फ्रैंकलिन! अभी आया।
जल्दी फ्रैंकलिन, डर लग रहा है। घबराओ मत स्क्विरल, तुम ठीक हो। शाबाश फ्रैंकलिन। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम उस छुटकू पर नजर रखे हुए थे। हे, छोटे भाइयों का ध्यान रखना ही तो बड़े भाइयों का काम है ना? सही कहा। सचमुच फ्रैंकलिन, तुम तो मछली से भी ज्यादा तेज तैर सकते हो। हाँ, शायद उतना तेज नहीं। तुम हो मेरे हीरो, काश तुम रोज मेरे बड़े भाई बन सकते फ्रैंकलिन। मैं भी। हे, अगली बार जब तुम दादी के घर आओ तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर तैरना सिखा सकता हूँ। हमारे पास एक छोटा सा पूल है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। क्या बात है, तैरना सिखाओगे? मैं जाकर दादी से पूछता हूँ क्या मैं जल्दी ही फिर से आ सकता हूँ। बहुत मजा आएगा। बाय फ्रैंकलिन। बाय स्क्विरल। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो अब क्या करना चाहते हो? सोचता हूँ जाकर अपने छोटे भाई को अपने साथ खेलने के लिए कहूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। करूँगा, लेकिन पहले मुझे बड़ा भाई बनने मिलेगा क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और फिर मेरी बारी, फ्रैंकलिन तो पहले से ही बन गया है।